हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल कुमार, एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम चैप्टर द सिलेंडर। सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक सिलेंडर विद जनरेटर्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू कर्व। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, गिवन गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑफ जनरेटर सिलेंडर। सो स्टूडेंट देखिए, ये आपका सिलेंडर है गिवन। दिस इज द पैरेलल एक्सिस ऑफ जनरेटर। जनरेटर्स पैरेलल एक्सिस ऑफ गिवन लाइन, लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस, पैरेलल एक्स एक्सिस एंड पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए स्टूडेंट, वी नो दैट द लाइन इक्वेशन एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू पैरेलल एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस 1, 0, 0। देखिए स्टूडेंट, जब कोई लाइन किसी एक्सिस के साथ पैरेलल पास होती है, दिस लाइन और दिस एक्स एक्सिस, तो इस समय एंगल क्या होगा? 0। ये वाई और ये जेड का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हो गया 1, 0, 0। सो स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया आपके 1, 0, 0। ये वैल्यू किसकी है? एल एम और एन की। तो स्टूडेंट हम यहां पर एल और एम की वैल्यू क्या कर दें, पुट कर दें। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स अपॉन 1, वाई अपॉन 0, जेड अपॉन 0। ये आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरल एक्स अपॉन एल, वाई अपॉन 0, जेड अपॉन 0। ये इक्वेशन हमको फाइंड हो गई स्टूडेंट। अब हमको क्या चाहिए? जनरेटर इक्वेशन चाहिए जो इस सरफेस के, इस एक्सिस के जो पैरेलल है और उस सरफेस पर जो पॉइंट है वो आपके अल्फा बीटा और गामा है। देखिए स्टूडेंट, लेट अल्फा बीटा गामा वी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर
जर्नेटर्स, थिरो, अल्फा, बीटा, गामा। तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी हमारी x माइनस अल्फा अपॉन वन इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन जीरो इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन जीरो इज इक्वल टू r से इज इक्वल टू r से। देखिए स्टूडेंट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस एल सॉरी अल्फा प्लस आर, वाई इज इक्वल टू बीटा, जेड इज इक्वल टू गामा। ये पॉइंट कहाँ है, इस प्लेन पर है। दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, दिस प्लेन लाई ऑन द प्लेन। देखिए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका एल अल्फा प्लस आर प्लस वाई सॉरी प्लस बी सॉरी 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 एम बीटा प्लस एन गामा इज इक्वल टू पी। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, एल अल्फा एल आर एम बीटा प्लस एन गामा इज इक्वल टू पी। एल आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी माइनस एल अल्फा एम बीटा माइनस का एन गामा, आर इज इक्वल टू पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा माइनस एन गामा डिवाइड बाय एल। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम क्या रखते हैं, दिस देखिए स्टूडेंट लगा दें वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा माइनस एन गामा डिवाइड बाय एल। एलसीएम ले लें, एल अल्फा प्लस पी माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा माइनस एन गामा डिवाइड बाय एल। ये स्टूडेंट क्या जाएगा, ए अल्फा सॉरी एल अल्फा एल अल्फा क्या जाएंगे कैंसिल, पी माइनस एम बीटा माइनस एन गामा अपॉन एल। ये एक्स की वैल्यू होगी स्टूडेंट, वाई बराबर बीटा, जेड बराबर गामा। तो ये वैल्यू स्टूडेंट हमको फाइंड हो गई। अब दिस वैल्यू लाई ऑन द कर्व इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट दीज वैल्यू एक्स वाई एंड जेड लाई ऑन द कर्व इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहां लगा दें वैल्यू स्टूडेंट हम, देखिए ए पी माइनस एम बीटा एन गामा डिवाइड बाय एल का होल स्क्वायर प्लस एम बीटा स्क्वायर प्लस एन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एलसीएम ले लें, एल का ए पी माइनस एम बीटा एन गामा
होल स्क्वायर प्लस सॉरी यहां बी है, बी और सी की वैल्यू ये हो जाएगा स्टूडेंट बी एल स्क्वायर बीटा प्लस सी एल स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब स्टूडेंट क्या है लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज ए पी माइनस एम बाई एन जेड का होल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर दिस मल्टीप्लाई। देखिए स्टूडेंट ओपन द स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर एन स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू पी एम बाई माइनस टू पी एन जेड माइनस प्लस टू एम एन वाई जेड प्लस बी एल स्क्वायर बाई प्लस सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए पी स्क्वायर ए पी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू ए पी एम बाई माइनस टू ए पी एन जेड प्लस टू ए एम एन बाई जेड प्लस बी एल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट अब हम क्या है वाई स्क्वायर कॉमन कर ले स्टूडेंट तो ये टर्म क्या होगी स्टूडेंट देखिए वी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टर्म ये हो जाएगा प्लस सी एल स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू एम एन वाई सॉरी प्लस टू ए एम एन वाई जेड दिस टर्म माइनस टू ए पी एम बाई माइनस टू ए पी एन जेड दिस इक्वेशन दिस वैल्यू और प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट इस वन को इधर शिफ्ट कर लें वी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस टू ए एम एन बाई जेड माइनस टू ए माइनस टू ए पी एम बाई माइनस टू ए पी एन जेड प्लस ए पी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो
दिस इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिक सिलेंडर, यानी कि ये इक्वेशन स्टूडेंट क्वाड्रिक सिलेंडर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। दिस इक्वेशन इज नॉन एज द आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन टू द सिलेंडर हूज जनरेटर्स पैरेलल टू एक्स अपॉन फोर वाई अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री विच इंटरसेप्ट टू इलिप्स फोर एक्स स्क्वायर फोर सॉरी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन जेड इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट अब हमको सॉल्यूशन गिविन द लाइन x अपॉन फोर इज इक्वल टू y अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री जेड अपॉन थ्री और इलिप्स इलिप्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन जेड बराबर जीरो। यानी कि स्टूडेंट एक हमको सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये सिलेंडर इक्वेशन पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू जेड अपॉन थ्री, यहां पर एक जनरेटर्स ऑफ सिलेंडर दैट पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा। द इलिप्स दिस इक्वेशन गिवन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर दिस इक्वेशन। सो स्टूडेंट देखिए हमको जनरेटर्स इक्वेशन थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा और गामा फाइंड करनी स्टूडेंट। लेट अल्फा बीटा गामा वी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर ऑफ द सिलेंडर जनरेटर्स थ्रू अल्फा बीटा गामा। देखिए स्टूडेंट x माइनस अल्फा अपॉन फोर इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन थ्री। कंडीशन हमको स्टूडेंट दे रखे यहां पर जो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पर z बराबर हमको जीरो है। दिस कंडीशन देखिए स्टूडेंट x माइनस अल्फा अपॉन फोर इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन थ्री, यानी कि z की वैल्यू क्या है हमारी जीरो। देखिए स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू अल्फा माइनस फोर गामा अपॉन थ्री फोर गामा अपॉन थ्री y इज इक्वल टू माइनस टू
और माइनस माइनस प्लस यानी बीटा प्लस टू गामा अपॉन थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। देखिए स्टूडेंट, दिस पॉइंट लाई ऑन द इलिप्स, इलिप्स की कंडीशन पर। देखिए देन फोर एक्स की वैल्यू लगा दें यहां पर स्टूडेंट, यानी कि ये आपकी फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू पुट कर दें, फोर एल्फा प्लस फोर सॉरी माइनस गामा डिवाइड बाय थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस टू गामा अपॉन थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। थ्री एलसीएम ले लें स्टूडेंट हम, तो फोर थ्री एल्फा माइनस फोर गामा प्लस टू थ्री बीटा प्लस टू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। देखिए स्टूडेंट, हेंस लोकस एल्फा बीटा गामा इज फोर ब्रैकेट में थ्री एक्स माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर प्लस टू थ्री वाई माइनस प्लस टू जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। देखिए स्टूडेंट, होल स्क्वायर ओपन कर दें, फोर नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर माइनस ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर जेड एक्स प्लस टू नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर प्लस सिक्स ट्वेल्व वाई जेड इज इक्वल टू नाइन। देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दें फोर की, थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर फोर नाइन जा फोर ट्वेंटी फोर सिक्सटी जा सिक्सटी फोर जेड स्क्वायर माइनस नाइन्टी सिक्स ट्वेंटी फोर फोर जा जेड एक्स प्लस एटीन वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर वाई जेड इज इक्वल टू नाइन। देखिए स्टूडेंट, थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एटीन वाई स्क्वायर प्लस सेवेंटी टू जेड स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर वाई जेड माइनस नाइन्टी सिक्स जेड एक्स इज इक्वल टू नाइन इज इक्वल टू नाइन। देखिए स्टूडेंट, दिस इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर, स्टूडेंट यहां से हम क्या थ्री कॉमन ले सकते हैं या डिवाइड बाय थ्री, डिवाइड बाय थ्री फोर्थ साइड, तो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर फोर जेड स्क्वायर प्लस एट वाई जेड माइनस थर्टी टू जेड एक्स इज इक्वल टू थ्री। आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम
नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हूज जनरेटर्स पैरेलल टू द लाइन x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3 एंड हूज वाइडिंग कर्व इलिप्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट, सिमिलर प्रॉब्लम है जो हमने अभी सॉल्व की थी, केवल डिफरेंस ये है कि वहां z इज इक्वल टू 0 था, यहां पर स्टूडेंट z बराबर 3 गिवन है। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन गिवन द लाइन x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3 एंड इलिप्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 z बराबर 3। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की ये एक्सिस है, इस एक्सिस के एक पैरेलल लाइन है x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3। ये क्या है, इसकी जनरेटर्स, ये इस सिलेंडर का जनरेटर्स है और इस सिलेंडर पर की एक्सिस पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा। तो देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग हमको जनरेटर्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट, लेट अल्फा बीटा गामा वी द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर जनरेटर्स थ्रो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाय वन इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा डिवाइड बाय माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन 3 एट जेड इज इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट, ये इसकी इक्वेशन दे रखी है। देखिए स्टूडेंट, यहां x माइनस अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस गामा डिवाइड बाय 3। वैल्यू निकालने स्टूडेंट, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 माइनस गामा अपॉन 3, y इज इक्वल टू माइनस 3 यानी 2 जा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस। देखिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस 6 माइनस 2 सॉरी 2 गामा 2 गामा माइनस 6 डिवाइड बाय 3 और z इज इक्वल टू 3। देखिए स्टूडेंट, हमको अब
स्टूडेंट हमको क्या फाइंड करना है? दिस पॉइंट लाई ऑन द सरफेस इक्वेशन या इलिप्स इक्वेशन, दिस पॉइंट लाई ऑन द गिवन इक्वेशन, दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देखिए स्टूडेंट, अल्फा प्लस थ्री माइनस गामा अपॉन थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस टू गामा माइनस सिक्स अपॉन थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एलसीएम लेने स्टूडेंट थ्री का, थ्री अल्फा प्लस थ्री माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस टू थ्री बीटा माइनस सॉरी प्लस टू गामा माइनस सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। देखिए स्टूडेंट, Hence, locus alpha beta gamma is